ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शिरडी की पावन भूमि पर खड़े होकर अपने बाबा को साक्षात स्वयं देखते हुए, बाबा का एहसास करते हुए, बाबा को अनुभव करते हुए, आइए हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि जब किसी का बुरा करो तो वो हो जाता है, तो अच्छा करने से अच्छा भी हो जाता है। बस फर्क इतना है कि अच्छा करने में वक्त लगता है और अच्छा होने में भी वक्त लगता है। तो कोई बात नहीं, जहाँ बात वक्त की है, तो जब बाबा हमें देने में कोई कमी नहीं करते, बाबा हमें बहुत भरपूर देते हैं। जब भी हम साईं से कुछ मांगते हैं तो बाबा उसे सुनते हैं, समझते हैं, और जब समय आता है तो हमें देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो आइए हम भी अपनी साईं माँ से, अपने बाबा से सबके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि साईं उससे बहुत खुश होता है जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। साईं उसकी भी परवाह करता है जो दूसरों की परवाह करता है, और निस्वार्थ भावना से करता है। क्योंकि हम दुनिया के आगे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लोगों के सामने दिखावा कर सकते हैं, लेकिन जो साक्षात मालिक बैठा है ना, वो हमारे अंदर देख सकता है कि हम किस भाव से किसकी सेवा कर रहे हैं, किस भाव से किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और किस भाव से हम किसी के बारे में अच्छा या बुरा बोलते हैं। क्योंकि बुरा भी कई लोग दिल से नहीं बोलते, बस ज़ुबान से बोलते हैं। तो इसलिए जो भी करें, बस एक बात ध्यान में रखें कि साईं सब देख रहे हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। बस फिर जो अच्छा लगता है वो कर डालें, क्योंकि बाबा जब आपके साथ है ना, तो बस हर काम उनको सौंप कर करना। जब भी कोई काम करना तो कहना, बाबा मैं आपके सहारे और आपके आशीर्वाद से ये काम कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। कैसे करना है, क्या करना है, कैसे होगा, ये मैं नहीं जानती, आप जानते हो। आपके सहारे कर रही हूँ, मेरी श्रद्धा की लाज रखना, मेरे विश्वास की लाज रखना, और जो भी मेरे साथ इस प्रार्थना को सुन रहा है, कर रहा है और दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, बाबा उनकी झोली में खुशियों का भंडार हो, वो खुद भी खुश रहें और दूसरों में भी खुशियाँ बाँटें, ऐसा आशीर्वाद हम सभी को देना। तो आइए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। आज की प्रार्थना में जिन लोगों के नाम हैं बाबा के चरणों में, मैं उन नामों को लेना चाहूँगी। साईं दया करें आप पर, हम पर, सब पर। बाबा आइए हमारी प्रार्थना कबूल करना। तो आज की प्रार्थना में जो नाम है, अशोक कुकरेजा जी, सुनीथिक देव रॉय बच्चा, छवि गुप्ता बेटी, सीरज जी, मिहिर श्रेया जी, रश्मि पुरी जी, आनंद जी, रंजना जी, रितु जी, खुशबू सक्सेना जी, और बच्चा अनुभव, एंड ऑल फैमिलीज। हे देवा, सबकी रक्षा करना, सब पर रहम करना, सबके घर में खुशियाँ हों और सबकी सेहत अच्छी बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद देना। और जिनको भी जो भी परेशानी है, चाहे वो नौकरी की है, घर की है, परिवार की है, शादी की है, जिस भी परेशानी से जो इस दरबार में खड़ा है, मालिक उसकी हर परेशानी को दूर करना। बाबा हम आपकी शिरडी, आपकी द्वारका माई, आपके मंदिर में खड़े होकर, आपके समक्ष, आपके सामने खड़े होकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और आपसे उदी का प्रसाद मांगते हैं। बाबा हमें उदी का प्रसाद अपने शुभ हाथों से देना। बाबा अपने हाथों से हमारे मस्तक पर उदी लगाना। देवा रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना। बाबा हम 11 वचनों के साथ इस प्रार्थना को संपूर्ण करेंगे। आप अपने होने का एहसास देना, और जो भी जिस मंशा से, जिस भी विश से इस प्रार्थना को सुन रहा हो, उसकी विश को पूरी करना, और जल्द से जल्द इस पावन भूमि पर अपने बच्चों को बुलाना और सबको दर्शन देना। बाबा रहम करना, दया करना, श्रद्धा की और अपनी साईं अनु की लाज रखना। मेरे बाबा रहम करना। आइए 11 वचनों के साथ प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ 11 वचन पढ़ें। जिन्हें नहीं पढ़ने आते हैं वो प्लीज़ सुन कर भी एक ही भाव है, आप चाहे सुने चाहे पढ़ें, बस जितनी देर बाबा के पास हो, बाबा के पास ही मन लगाइए, साईं संभाल लेंगे। ठीक है, उदी जिनके पास है वो उदी लेकर के अपने मस्तक पर ज़रूर लगाना, ज़रूर।
ओके, चलिए 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं आपका भला करे, साईं सबका भला करे, आप सबकी झोली खुशियों से बहुत भरी रहे, रहम करें दया करें और अपना अपना काम शुरू कीजिए, अपनी सुबह की शुरुआत कीजिए, साईं संभाल लेंगे, साईं हैं, साईं कभी आपका अहित नहीं चाहेंगे, हमेशा आपका भला होगा। उदी लगा लीजिएगा, आगे बढ़िए, साईं बैठे हैं, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम साईं राम, जय साईं राम।